प्रयागराज के अंदर आपको राजस्थान का भी कार्यकर्ता दिख रहा है, छत्तीसगढ़ का भी दिख रहा है, मध्य प्रदेश का दिख रहा है, और मूलतः ये सब प्रयागराज के, मैं खुशी ये है और ब्लड कनेक्शन ऐसा है कि ये खुशी सब इजहार यहाँ करने आए हैं। हमारे महानगर अध्यक्ष भी हैं और सभी कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, क्योंकि मैं चुनाव की दृष्टि से मैं 3 महीना प्रभारी के रूप में मैं वहाँ पे था छत्तीसगढ़ में, तो सब लोग यही खुशी जताने आए हैं कि मोदी है तो गारंटी है, तो मोदी की गारंटी जो है, उनके ऊपर जो विश्वास है, वो आज पूरे देश में पूरे विश्व में चमक रहा है। अच्छा, जिस तरह से ये जीत हुई है उसके बाद अब मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर किस तरह की चर्चाएं हैं मध्य प्रदेश? अब वो देखिए, वो हर जगह एक संगठनात्मक दृष्टि से हमारे पर्यवेक्षक लोग जाते हैं और वो जाते हैं विधायकों से बातचीत करते हैं। विधायक लोग आना शुरू करेंगे 1-2 दिन में, तो उसके बाद सब बैठकें होंगी, उनसे चर्चा होगी, उसके बाद एक नाम आएगा, उसको फिर प्रयास ये रहता है सर्वसम्मति से सब उसकी तैयारी करें और फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड तक कोई भेजते हैं और वो फिर उसका अप्रूवल देते हैं। इस जीत से 2024 पर क्या असर पड़ेगा, क्या उत्साह आया है कार्यकर्ताओं में? देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूँ, 400 पार का जो नारा है वो लक्ष्य अब पूरा होएगा, और मोदी जी ने स्वयं कल कहा है ये 3 हैट्रिक जो है राज्यों की, अब बनेगी 3 लोकसभा की हैट्रिक। अच्छा, विपक्ष ने जिस तरह से इंडी गठबंधन बनाया था, इस हार के बाद विपक्ष ने 6 दिसंबर को बैठक बुलाई है, क्या लगता है कि विपक्ष वो किसी चीज़ की भी बैठकें कर लें विपक्ष, क्योंकि ये अवसरवादी गठबंधन है, घमंडी गठबंधन है, आदान प्रदान होना नहीं है, उन लोगों को कोई जनता की चिंता नहीं है, और वो जब विश्वास ही जनता के अंदर नहीं है और जनता को विश्वास एक पे है, वो मोदी जी पे है, तो ये कुछ भी कोई भी बैठकें कर लें, रिजल्ट एक ही आएगा, 400 पार भाजपा। उन पर गारंटी की भी बात हो रही थी, मोदी गारंटी। देखिए, मोदी जी की गारंटी है क्योंकि उन्होंने पीछे काम किया है, मुख्यमंत्री के रूप में काम करते रहे हैं, गरीबों के बीच में जाके करा है, महिलाओं के लिए करा है, युवाओं के लिए करा है, और अन्य योजना केंद्र की जो है उन लोगों को लाभान्वित किया है। आज वो एक गारंटी बन गए हैं कि मोदी जी कुछ कहते हैं तो वो गारंटी होती है, क्योंकि उनके ऊपर विश्वास है। आप लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं, जब आप लोगों ने कुछ किया नहीं तो गारंटी क्या करोगे? तो आपकी तो एक ही चीज़ की गारंटी है कि आप जब आओगे सत्ता में, गलती से आ भी गए तो आपने जनता की गहरी कमाई को लूटना है और भ्रष्टाचार करना है। जब विपक्ष सनातन को लेकर बैकफुट पे आता दिख रहा है, किस तरह से? देखिए, जब चुनाव चल रहा था तो ये जितने थे कमलनाथ जी हनुमान जी को लेकर चल रहे थे, मध्य प्रदेश में भूपेश बघेल कहते थे हाथ जोड़ के कि आपका स्वागत है भगवान राम के ननिहाल में, मगर जब खरगे साहब आए तो किसी ने ये नहीं कहा खरगे साहब आपके जो बेटे हैं वो गलत बोलते हैं, हमारे जो सहयोगी दल हैं वो दक्षिण भारत के वो गलत बोलते हैं। आज आपको सनातन धर्म याद आ गया क्योंकि आपको श्राप लगा है सनातन धर्म का और सनातन वोटरों का, और वो श्राप आपके ऊपर है, इसलिए आप घबराए हुए हो।